आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन और ओपन सर्जन में, यानी कि जो हाथ वाले चीरे वाला जो ऑपरेशन करते हैं, उन डॉक्टर्स में क्या फर्क होता है? बेसिकली जो चीरे वाला ऑपरेशन होता है तो उसमें पेट पर खड़ा या आड़ा चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें इस तरीके से देख के सर्जरी की जाती है डायरेक्ट। मतलब जो भी सर्जरी करने वाला डॉक्टर है वो पेट के अंदर आपको डायरेक्ट आंखों से देख रहा है, उसके बाद उसके अंदर डायरेक्ट ऐसे सर्जरी कर रहा है। बट जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो सामने स्क्रीन होता है, टेलीविजन पर इंसान देखता है, और जो हाथ होते हैं वो नीचे चल रहे होते हैं। इस तरीके से स्क्रीन पर देखकर सर्जरी की जाती है। इसके लिए हमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यानी आंखों का और हाथ का एक कोऑर्डिनेशन हमें बिठाना पड़ता है कि आप स्क्रीन पर देखकर सही सर्जरी कर पाते हैं। जैसे कि आप कांच में देखकर बाल नहीं बना पाते हो, या जब आप वीडियो गेम खेलने जाते हो और कार चलाते हो स्क्रीन पर देखकर, तो आपकी कार के बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसके लिए ट्रेंड नहीं है। लेकिन जो आजकल के बच्चे जो वीडियो गेम खेलने में मास्टर हैं, उनकी का एक्सीडेंट नहीं होता है। वो अलग बात है कि जब रियल वर्ल्ड में वो कार चलाएंगे तो उनकी कार का ज्यादा एक्सीडेंट होगा। तो इसी तरीके से जो ओपन सर्जरी में डायरेक्ट देख के सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्क्रीन पर देख के सर्जरी होती है। बट जो स्क्रीन पर देख कर सर्जरी करते हैं उसका बेनिफिट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो दूरबीन हम अंदर डालते हैं उसके मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी 20 गुना बड़ा दिखता है, बहुत क्लियर दिखता है। आजकल HD कैमराज है, 4K कैमराज है, जिनसे कि हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर विजन मिलता है, और 3D कैमराज भी अवेलेबल है, यानी कि हम 360 डिग्री उसका तीनों एक्सिस में हम पूरा अच्छे से डेप्थ तक देख पाते हैं, प्रॉपर सर्जरी कर पाते हैं, और बहुत डिटेल से हमें दिखता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जितना अच्छा आपको दिखेगा उतनी अच्छी सर्जरी कोई भी डॉक्टर कर पाएगा। तो ये तो आज आप जान ही गए हैं कि ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है और कौन सी सर्जरी बेटर है। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप ओपन सर्जरी चुनते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब आपको ये समझ में आ गया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जन क्या करता है। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है वो ही डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जन कहलाता है, और जो गायनी के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करता है उसको गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन बोलते हैं, और जो हिस्ट्रोस्कोपी करता है उसको हिस्ट्रोस्कोपिस्ट भी बोलते हैं, और गायनिकोलॉजिस्ट ही हिस्ट्रोस्कोपी करता है, इसलिए गायनी एंडोस्कोपिक सर्जन बोला जाता है। गायनी एंडोस्कोपी में लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों टर्म आ जाते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि लेप्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, तो गायनिकोलॉजिस्ट के लिए लेप्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है, जिसमें कि एक हिस्ट्रोस्कोपी होती है और दूसरा लेप्रोस्कोपी होता है। लेप्रोस्कोपी पेट में दूरबीन डालकर देख रहे हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी यूट्रस के अंदर दूरबीन डालकर जो देख कर सर्जरी की जा रही है उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि गायनिकोलॉजी के अंदर जो दो प्रकार की दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं, दो प्रकार की लेप्रोस्कोपी होती है, वो कौन सी होती है। अब जो अगला सवाल पूछा जाता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या बहुत बड़ी सर्जरी है या उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। अब बड़ी या छोटी का जो डिसीजन है ना, वो आजकल थोड़ा बदल गया है। पहले के जमाने में शायद आपने सुना होगा, कि मैंने तो सुना है, हमारे मम्मी पापा से तो बोलते थे कि इतना बड़ा चीरा लगाकर सर्जरी करिए, तो जो डॉक्टर जितना बड़ा चीरा लगाता था उतना ही बड़ा माना जाता था। यानी कि पुराने जमाने में अगर आपने ऐसे पूरा पेट खोलकर ऑपरेशन किया है तो बोला जाता था कि बहुत बड़ी सर्जरी करिए। अगर इस तरीके से अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन को कंपेयर करेंगे तो हम तो चीरा ही नहीं लगा रहे, हम तो 3-4 छोटे छेद बना रहे हैं, वो भी आधा आधा सेंटीमीटर के छेद हैं, तो भैया हम तो फिर बहुत छोटे सर्जन है, हमारी सर्जरी भी बहुत छोटी है। बट ऐसा नहीं है। सर्जरी का जो छोटी बड़ी या मेजर और माइनर का जो मतलब निकलता है, जो मीनिंग निकलता है, वो सर्जरी की डेप्थ से निकलता है, यानी कि आप कितने रेडिकल सर्जरी करने जा रहे हैं। चीरा लगाना या नहीं लगाना या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना सिर्फ पेट के अंदर जाने तक का रास्ता मात्र है, कि आप खोलकर अंदर जा रहे हैं या छेद के द्वारा दूरबीन डालकर आप अंदर का पिक्चर बाहर देख रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अंदर जाने के बाद आप जितनी बड़ी जितनी भी मेजर सर्जरीज होती हैं, यानी कि कोई ऑर्गन रिमूवल सर्जरी है, कोई कैंसर की सर्जरी है, कोई गांठ की सर्जरी है जिसमें कि बहुत टाइम भी लगता है, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी बहुत ही रेडिकल सर्जरी होती है, आंतों को, यूरेटर को, किडनी, ब्लैडर सबको सेपरेट करके, सबको बचाकर पूरी बीमारी को हमें निकालना पड़ता है। कैंसर से भी कई बार बहुत बड़ी सर्जरी हो जाती है। तो इस तरीके से सर्जरी का जो डेप्थ है या परसेप्शन है, सर्जरी के डायग्नोसिस से मान सकते हैं या गांठ का साइज से मान सकते हैं, इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी एक बड़ी सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है। हाँ, उसमें यदि आपने कोई दूरबीन की जांच कराई है या कोई छोटी मोटी ओवेरियंसेस निकाली है जिसका साइज बहुत छोटा है, जो फटाफट आधे पौने घंटे में खत्म हो गई, तो उसको फिर भी आप छोटी सर्जरी में काउंट कर सकते हैं, बट फिर भी वो मेजर सर्जरी ही होती है, क्योंकि इसमें पूरी बेहोशी दी जाती है, पूरी तरीके से पेट के अंदर गैस डाली जाती है, पूरी तरीके से अंदर सर्जरी की जाती है, और फिर पूरी डेप्थ यानी कि पूरी बीमारी को निकाला जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई छोटी सर्जरी नहीं है, और बड़ी सर्जरी में ही काउंट होगी, मेजर सर्जरी होती है। बट
अब वो डिक्टम बदल गया कि बड़े चीरे वाला बड़ा डॉक्टर नहीं है, आजकल जो छोटे चीरे के साथ बड़ी बीमारी निकालते वो ही